कभी तो ऐसा हुआ, एक सिचुएशन आई जहां पे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस दिस -3, आइडेंटिफाई विच मिरर इट इज। मैग्निफिकेशन फॉर सम पोजिशन इज गिवन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द मिरर। मैग्निफिकेशन -3 था तो कौन सा मिरर होना चाहिए, कॉन्वेक्स, कॉनकेव या कोई भी हो सकता है। -3 किसमें होगा? करी कौन कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। ओके बाकी लोग भी बोलो कुछ आंसर, कॉनकेव होगा कॉन्वेक्स होगा क्या लॉजिक है? किसी की आवाज, कुलदीप का नेटवर्क इस तरह से ठीक नहीं चल रहा है, आवाज ही बराबर नहीं आती। कुलदीप एक्सप्लेनेशन क्या दिया तुमने? आंसर सही है, कॉन्केव इज द आंसर। व्हाट मेड यू से दिस? आएगा और इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव, ओ सर 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 हाँ सर, ये मैं -3 ले लिया था गलती से उसको। हाँ तो -3 है बेटा सर, जस्ट -3। कॉन्वेक्स भी हो, कॉन तो कॉन्वेक्स होगा सर, फिर तो कॉन्वेक्स होना चाहिए। कॉन्वेक्स नहीं होगा बेटा, क्यों सर? पहली चीज तो 3 पे ध्यान दो आप, पहली चीज 3 पे ध्यान दो। 3 का मतलब क्या हुआ? मैग्निफाई हुआ है, इमेज साइज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट साइज। ऐसा कभी कॉन्वेक्स मिरर में होता ही नहीं है, कॉन्वेक्स में हमेशा ही डिमिनिश्ड है, देखो सारे केसेस। हेलो, यस सर, यस सर, कॉन्वेक्स में हमेशा ही डिमिनिश्ड होता है। अच्छा दूसरा, तो 3 देख के तो मुझे समझ में आ ही गया, माइनस का मतलब क्या है, इन्वर्टेड या इरेक्ट? सर इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड मतलब रियल और वर्चुअल? सर इन्वर्टेड मतलब रियल, सर इन्वर्टेड का मतलब रियल, इन्वर्टेड मतलब रियल, हर जगह इन्वर्टेड का मतलब रियल होता है, राइट? तो रियल इमेज है उसमें, तो कॉन्वेक्स में तो रियल इमेज आती ही नहीं, कॉन्वेक्स में तो हमेशा वर्चुअल आती है, राइट? yes, हो गई कहानी खत्म। तीसरा पॉइंट देख लो, एक तो मैग्निफिकेशन से समझ गए, एक माइनस से समझ गए। दूसरा देखो, मैग्निफिकेशन होता है -V/U, ये -3 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यू पॉजिटिव है या निगेटिव? U पॉजिटिव होता है या नहीं? बहुत गलत है sir, U तो हमेशा नेगेटिव है, लेफ्ट साइड में रखना है, नहीं होता सर। हाँ तो U नेगेटिव है, तो V क्या आ रहा है? V नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है? सर नेगेटिव, मतलब लेफ्ट साइड में है, कॉन्वेक्स में तो हमेशा ही राइट में बनती है, तो आ ही नहीं सकता, राइट? सो मैग्निफिकेशन देख के मैं मिरर भी पहचान लूंगा, नॉट ऑल वैल्यूज बट एटलीस्ट सम वैल्यू, इनफैक्ट मिरर में तो सारी वैल्यूज के लिए पहचान, ठीक है? ओके नाउ लेट्स ट्राई दिस, m इज इक्वल टू +2, ये क्या है? मैग्निफिकेशन +2 दिया हुआ, व्हाट इज इट? सर कॉन्वेक्स मिरर होगा, सर कॉन्वेक्स मिरर, दिस मस्ट बी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स दोनों हो सकता है। ओके तो ये फिर से एक बार तुम्हारा गलत जवाब, आंसर है कॉनकेव मिरर हमेशा। क्यों सर, तो माइनस प्लस दोनों नहीं कॉनकेव हो जाएगा, फिर मतलब क्या है, कॉन्वेक्स कभी नहीं आने वाला जिंदगी में। अरे आएगा ना बेटा, तू नंबर पे ध्यान नहीं दिया ना, तूने प्लस पे ध्यान दिया,
प्लस तो दोनों में होता है। चलो प्लस का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लस? सर मैग्निफिकेशन प्लस में तो सर इमेज बड़ी हो जाएगी, वर्चुअल इज करेक्ट बट बड़ी नहीं हो जाएगी। प्लस का मतलब बड़ा नहीं होता, प्लस का मतलब होता है इरेक्ट। प्लस मीन्स इमेज इज इरेक्ट, मतलब सेम टू सेम। अरे नहीं बेटा, सेम टू सेम मतलब साइज कम ज्यादा होगा बट इरेक्ट होगी, अपराइट होगी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो इमेज भी कहीं जहां बने बड़ी छोटी और ऊपर ही साइड बनेगी, राइट? तो प्लस का मतलब आपका इरेक्ट भी होता है, प्लस का मतलब आपका वर्चुअल भी होता है। अब वर्चुअल तो दोनों में बनता है, किसमें? कॉन्वेक्स में भी बनता है और कॉनकेव में भी बनता है, राइट? बनता है ना? यस सर। तो वो देख के आपने आंसर दे दिया, लेकिन टू पे ध्यान नहीं दिया आपने। जब वर्चुअल इमेज कॉनकेव में बनती है तब हमेशा एनलार्ज बनती है, और कॉन्वेक्स में तो जीवन भर डिमिनिश इमेज बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड, तो टू कैसे होगा? यस सर, मतलब कैसे बोल सकते कि मतलब वो एनलार्ज होगा टू से, कैसे कह सकते हैं एनलार्ज होगा? मैं समझ में नहीं आया। डेफिनेशन क्या था मैग्निफिकेशन का, याद है? मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई वन, ये प्लस टू है, यू निगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो गया, वी पॉजिटिव आ गया, टू टाइम्स ऑफ दिस एंड पॉजिटिव, ठीक है? ऑब्जेक्ट पास में है, इमेज दूर में है, तो एनलार्ज ही बनेगा ना। ऑब्जेक्ट पास में है, इमेज दूर है, तो एनलार्ज बनेगा। तेजस सर थोड़ा नहीं समझा। हाँ वापस, इसलिए बोलो ना, रिस्पॉन्ड करते जाओ, मैं समझाते जाऊँ। मैग्निफिकेशन इज इमेज हाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ये तो याद है? हाँ सर। तो इमेज हाइट इज टू टाइम्स ऑब्जेक्ट हाइट, तो हो गया ना मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन सब में कहते हैं एनलार्ज या डिमिनिश, तो ये एनलार्ज हो गया ना। ऑब्जेक्ट इतना है तो इसका डबल इमेज है, तो इमेज हाइट इज डबल द ऑब्जेक्ट हाइट। ओके थैंक यू सर। राइट, इसलिए एनलार्ज है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट जहां मर्जी रख लो, तो ये कॉनकेव मिरर होगा, राइट? ओके थर्ड वन, एम इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, ये क्या होगा सर? ये होगा कॉन्वेक्स, ये होगा कॉन्वेक्स, राइट? समझा सबको सर? जिसका मैग्निफिकेशन वन से कम हो और माइनस वन से भी कम हो, माइनस वन से ज्यादा हो, तो सर उसका होगा वो। चलो ठीक, और किसी का आंसर कुछ? प्रिया, प्रिया ने एक भी आंसर नहीं दिया अभी तक। प्रिया है, छोड़ गई। सुमन मिलर, कौन सा? कॉन्वेक्स? यस कॉन्वेक्स। ओके सुमन, सुमन का कोई जवाब नहीं। इस बार फिर सब गलत हो तुम लोग, फिर कॉनके भी है। कैसा बहस कर रहे हो बाबा, आधा खिचड़ी करके बाय हट कर रहे हो क्या सर? अब हम कोई कॉन्वेक्स बोलेंगे ही नहीं, खत्म। अरे यार ऐसा क्यों कर रहे थे? मुझे एक चीज बता, माइनस में आंसर है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइनस? माइनस साइन का मतलब क्या? नेगेटिव मैग्निफिकेशन मींस व्हाट सर? ओके सर समझ गया। माइनस होता इनवर्टेड रियल होगा और रियल कॉन्वेक्स नहीं बनता। इनवर्ट रियल है तो वो तो कॉनकेव में बनेगा ना। कॉनकेव में तो बड़ी इमेज भी बनती है, छोटी इमेज भी बनती है, राइट? तो ये कॉन्वेक्स में तो हमेशा ही वर्चुअल बनती है,
m is equal to plus 2 by 3. Magnification is plus 2 by 3. बताएगा मैग्निफिकेशन 2/3 कौन सा मिरर होना चाहिए सर ये कॉन्वेक्स नहीं सर इसको नहीं लूंगा मैं कॉनकेव बोल रहा हूं लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर है अरे तो एक चीज बोल रहा हूं क्या बोल रहा है कॉन्वेक्स क्यों बोलूं लिखो सर कॉन्वेक्स फाइनली ये कॉन्वेक्स मिरर है Finally, this is convex mirror, right? क्यों? भाई पॉजिटिव मतलब वर्चुअल वर्चुअल दोनों में बनता है बट जब कॉनकेव में वर्चुअल बनता है एनलार्ज बनता है और कॉन्वेक्स में हमेशा ही छोटा बनेगा राइट सो फाइनली कॉन्वेक्स मिरर है तो अगर प्लस वन और जीरो के बीच में है तो वो डेफिनेटली कॉन्वेक्स मिरर है क्योंकि सारे केसेस में वो कॉनकेव ही रहेगा ओके आई बस समझ में यस सर यस सर ठीक आपको ये वाला क्वेश्चन अगर आपने बता दिया तो आपको सब क्लियर है ये क्वेश्चन है साइन डायरेक्शन ऑफ velocity of image in polar pehle object between C and F object moving towards mirror and mirror कौन सा है mirror है concave mirror सोच के बोलना जल्दी नहीं ये सब सोच लिया आपने तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा अच्छे से किस डायरेक्शन में जाएगा इमेज इमेज मिरर की तरफ जाएगा या अवे फ्रॉम मिरर जाएगा ऑब्जेक्ट रखा है एफ और सी के बीच में और भाग रहा है मिरर से दूर डायग्राम लेके बैठो आप दो मिनट सोच के बताओ मुझे कोई जल्दी नहीं गेस वर्क नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है पता नहीं क्यों सर कोशिश करो नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा सर इमेज की प्लेस ढूंढनी है सॉरी इमेज की प्लेस ढूंढनी है क्या नहीं नहीं किस डायरेक्शन में मूव करेगा भाई ये कॉनकेव मिरर है ठीक है ये फोकस है ये सेंटर है ओके ये ऑब्जेक्ट है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है इमेज की पोजीशन चेंज होती है ना ऑब्जेक्ट मैं लेके जा रहा हूँ इधर आपको बताना है इमेज किधर आएगा अच्छा सर आप ऑब्जेक्ट जा रहे हैं तो सर एक जो होगा सर मूविंग टुवर्ड्स मिरर तो सर ऑब्जेक्ट जो वो सर वो वर्चुअल हो जाएगी मतलब सर मतलब उसी के साथ जितने स्पीड से जा रहा है उससे इमेज भी बियॉन्ड मिरर
हेलो यस सर आवाज नहीं कुलदीप ने क्या बोला कुछ तो इमेज जो होगी सर वो बियॉन्ड चली आएगी इमेज जो होगी बियॉन्ड द मिरर चली जाएगी अवे फ्रॉम द मिरर जाएगी इमेज मूव्स अवे फ्रॉम मिरर अवे फ्रॉम मिरर नहीं चलो मान लो आपको वहां पर दिमाग नहीं चल रहा तो आप कैसे करोगे इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बता रहा हूं अपनी मर्जी से कोई फोकल लेंथ चूज कर लो अगर आपको नहीं समझ में आया नहीं याद रहा नहीं बना तो कैसे करोगे अपनी मर्जी से कोई फोकल लेंथ चूज कर लो अरे अपनी मर्जी से कोई फोकल लेंथ चूज करो फॉर कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर के लिए बता माइनस प्लस कुछ तो बोलो चलो सबसे कन्वीनियंट नंबर माइनस टेन लगता है मुझे मैंने खुद ने चूज कर लिया ऑब्जेक्ट का कोई जगह बोल दो कहाँ रखा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ हाँ तो कोई नंबर बोलो ना एफ माइनस टेन है तो सी कितने पे होगा माइनस फिफ्टीन पे रखा ठीक है और दूर जा रहा है पास जा रहा है दूर जा रहा है या पास जा रहा है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मूविंग दूर जा टूवर्ड्स मिरर लिखा हुआ है तो मिरर के पास लेके जाओ तो माइनस फिफ्टीन से माइनस ट्वेल्व कर दो ऐसा कुछ नंबर डाल दो आपके ऊपर सब टू यू अब ये केस में v निकाल लो 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल 1 बाय एफ और इस केस में भी निकाल लो इधर पे माइनस 1 बाय 10 हो गया माइनस 1 बाय यू यू इज माइनस 15 इस केस में माइनस 1 बाय 10 हो गया प्लस 1 बाय 12 हो कैलकुलेट करो कितना हो गया 3 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 30 तो v का वैल्यू माइनस 30 है इस केस में ये कितना हो गया माइनस सिक्स प्लस फाइव माइनस वन बाय सिक्स तो वी का वैल्यू माइनस सिक्सटी है इस केस में माइनस थर्टी पे था यहाँ थी इमेज भाग के इधर चली गई तो इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर चमका क्या कुछ हेलो यस सर समझा यस सर समझ में आ गया ओके सो ऑन सेम पैटर्न अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ बिटवीन सी एंड एफ मिरर लेता हूँ कॉन्वेक्स इसको करता हूँ अवे फ्रॉम द मिरर अवे फ्रॉम इमेज मूव्स इमेज किधर जाएगी वो बताना है आपको चल गुड अभी आपको ट्रिक भी बता दी है सब कुछ बता दिया आई गिव यू 3 मिनट्स कैलकुलेशन के लिए अपनी मर्जी से नंबर चूज करके 3 मिनट देता हूं बिना डिस्कशन के आप 3 मिनट सोचो फिर मुझे बताओ नहीं आंसर मेरे को तो मजा नहीं आ रहा है कैसा मिरर है ये कौन सा मिरर दिया हुआ आपको इस क्वेश्चन में हेलो सर कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर तो चूज अ फोकल लेंथ फॉर इट अपनी मर्जी से कोई फोकल लेंथ बोल दो जो नंबर बोलना बोलो सर फोकल लेंथ 10 ले लीजिए और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 10 हां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से शुरू करूं कहां ले लूं बिटवीन सी एंड एफ रखा है मतलब 10 से 20 के बीच में है कहां से कहां लेके जाऊं 18 टू 15 कहां लेके जा रहा हूं मैं अवे तो 15 से 18 लेके जाता हूं ठीक है चल अब वी निकालना है माइनस है माइनस अवे वी निकालना 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ
राइट माइनस वन बाई यू, तो माइनस ऑफ माइनस वन बाई फिफ्टीन, तो ये कितना हो गया तीन और पांच पांच बाई तीस, तो वी इज इक्वल टू दस सेंटीमीटर राइट। हाँ टेन सेंटीमीटर गया, कुछ गलत कर दिया। 32 प्लस 3 बाई 5 बाई 31 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 1 बाई 10 प्लस 1 बाय 18, तो कितना हो गया 9 और 5 हो गया। इसका जितना पास मिरर आ रहा है, जितना पास मिरर आ रहा, सॉरी जितनी पास ऑब्जेक्ट आ रहा है उतना ही पास वो भी आ रहा है सर, जितना पास ऑब्जेक्ट आ रहा है उससे नहीं सर। इसका नहीं सर, मैंने अपने एक डाटा लेके किया था कि 20 सेंटीमीटर मैंने वो ले लिया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एक में 30 सेंटीमीटर फाइनल आंसर सेम आएगा, दोनों का सेम आएगा। यस सर सेम ही आएगा, 6.4 समथिंग, तो 6 से 6.4 चला गया, मतलब अगर आप मिरर से दूर जाओगे तो वो भी दूर जाएगा कॉन्वेक्स में, तो अवे फ्रॉम मिरर जा रहा है। इसका कॉन्वेक्स का तो बड़ा केस ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, कैसे ये कॉन्वेक्स है ना, इनफाइनाइट पे रहेगा अगर आप इनफाइनाइट पे, तो फोकस पे आप आगे आओगे तो ये आगे आएगा, आप दूर जाओगे तो ये दूर जाएगा, इसका अदर एंड एक्सट्रीम जो है फोकस, फोकस से दूर इमेज जाएगी, समझा। अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स का केस बहुत सिंपल है, आप जहां भी रहोगे जहां से भी अगर आप टुवर्ड्स द मिरर जाओगे तो यू मूव टुवर्ड्स द मिरर, इमेज भी आएगी टुवर्ड्स द मिरर, अगर आप अवे फ्रॉम मिरर तो इमेज भी जाएगी अवे फ्रॉम, राइट। सो इन एवरी केस ऑब्जेक्ट एंड इमेज मूव इन अ सिमिलर पैटर्न, इफ यू मूव अवे फ्रॉम द मिरर देन इमेज ऑल्सो मूव अवे फ्रॉम द मिरर, इफ यू मूव टुवर्ड्स द मिरर देन टुवर्ड्स द मिरर, क्लियर। किसमें, किस केस में, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स में कंफ्यूजन तो होता ही नहीं है। ओके क्लियर है? यस सर। चलो, तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आपको ट्रिक बता दी है, तो आप उस ट्रिक से तो इजिली सॉल्व कर ही लोगे, मुश्किल नहीं लगेगा। चलो एक दो दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं और चैप्टर टॉपिक को क्लोज करते हैं।
सर बस आई वाज यूजिंग कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर सी इज इमेज ऑफ अ बाइक एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर एस्टिमेट एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ बाइक फ्रॉम द बस सर 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर हाँ उसको इमेज ऐसा फील हो रहा है मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बाइक मिरर से 25 सेंटीमीटर पीछे सेंटीमीटर हाँ क्यों वैल्यूज बहुत अजीब आ रही हैं क्या नहीं सर ऐसे ही लगा मुझे काम करो इसको और छोटा कर लो 28 कर लो अच्छा रियलिस्टिक वैल्यू लेते सर बहुत स्लो तुम लोग यार मैथ्स ही वीक है लगता कैलकुलेशन करने में इतना टाइम कौन लगाता सर आंसर आ गया है सर 210 सेंटीमीटर सर वो बोल नहीं पा रहा था सर दो तीन लोग आ गए थे ना इसलिए F का वैल्यू इज 30 OV प्लस माइनस 1 सो माइनस 240 सेंटीमीटर U का वैल्यू सॉरी 1/U 1/V है V का वैल्यू हो गया आपका 28 बिहाइंड द बनेगा राइट तो 1/30 होने से ये हो गया 420 राइट तो 420 से ये हो गया तुम्हारा 14 टाइम्स माइनस 15 टाइम्स राइट तो माइनस 1/420 तो U का वैल्यू है माइनस 420 दैट इज 4.2 मीटर तो बस से 4.2 मीटर पीछे बाइक है राइट नॉट बस से एक्चुअली बस के मिरर से राइट तो जो साइड मिरर होगा उससे 4.2 मीटर पीछे आपका बाइक है ओके यस क्लियर है एक और क्वेश्चन करेंगे
चलो डू दिस, तीन मिनट देता हूँ, सोचो सॉल्व करो फिर मैं बताऊंगा। आया आंसर किसी को? हेलो सर, किसी को आंसर आया? सर आंसर है कि फोकल लेंथ पे जाओ सर, एफ पे, एफ के पे ऑब्जेक्ट रख देंगे तो सर हो जाएगा। स्क्रीन रखनी है बेटा, स्क्रीन मतलब वी बताना, स्क्रीन कहाँ रखना, मतलब वी का वैल्यू आपको बताना। वी का वैल्यू 40 होगा। क्या 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 सर? 40 नहीं, 40 कैसे होगा? फोकल लेंथ भी 40 है। मेरा 160.2 सेंटीमीटर। वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ यू। ओके 159.99 लेट्स सी। सबसे पहली चीज तो वी इज 3 टाइम्स ऑफ यू, इतना पक्का है? इसमें किसी को डाउट? इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड 3 टाइम्स, मतलब सेम साइड में बन रहा है तो साइन भी सेम है और मैग्नीट्यूड उसका ट्रिपल है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/e, ठीक है। f का वैल्यू दे रखा है -40, तो कर ले -40 1/v प्लस 1/u। v का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ u है। -1/40 इज इक्वल टू ये हो गया तुम्हारा 1/3u, 3/4/3u। So u is equal to -160/3 हो गया u का वैल्यू। अब v का वैल्यू कितना है? इसका ट्रिपल, तो -160/3 × 3 कट -160 सेंटीमीटर। तो इमेज 160 सेंटीमीटर इधर बन रही है, therefore स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 160 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। अच्छा, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 160 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो सुमन का आंसर सही था। सर मेरा 160.2 सेंटीमीटर है। वो ठीक है, तुमने डेसिमल में कहीं गड़बड़ कर दी ऊपर नीचे, बट 160 इज द करेक्ट आंसर। बाकी ठीक है, किसी ने पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया होगा, इसके लिए आगे पीछे आ रहा होगा। ओके सर, मेरे को सर प्रॉब्लम सर वहां हो गई थी सर, जब मैंने इग्नोर कर दिया कि 3 टाइम्स द रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि सर मेरे को समझ ही नहीं आ रही करना क्या है। सर डायग्राम बना के मैं कर रहा था। यही अगर याद रखो, अगर 3 टाइम्स वर्चुअल एंड 3 टाइम्स बोला था ना, तो v इज इक्वल टू -3u लेना होता, उसमें केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है, मेरी तरफ से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा दिए हैं, अगर आप इनको सोच सोच के अच्छे से कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप कर पाओगे। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन। थैंक यू सर। थैंक यू।